स्टडी फॉर जॉब यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में लुसेंट और स्पीडी जीके के लाइव टेस्ट के लिए ये 10वीं वीडियो लेके आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसके 9 पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और आपको उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो आपको शाम को 8 बजे मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। यहाँ पे देखिए वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन का ऑप्शन आपको नहीं दिखता है, लेकिन अधिकतर क्वेश्चनों का ऑप्शन हम आपको बोल के या फिर लिख के बता दिया करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो चलिए आप अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आप अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। पहला क्वेश्चन है कि जो जल में अस्थायी कठोरता होती है, इसका कारण क्या है? देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपको बन सकता है, बाइकार्बोनेट और हेक्साकार्बोनेट। इस तरह दो ऑप्शन आपको बन जाएगा। तो देखिए जल में होती है दो तरह की कठोरता, एक होती है अस्थायी और एक होती है अस्थायी। अस्थायी कहने का ये मतलब है कि ऐसी कठोरता होती है जिसको गर्म करने पर, मतलब कि अगर हम जल को गर्म कर दें तो उसकी कठोरता दूर हो जाती है। पहले तो जान लीजिए कि कठोरता होती क्या है। तो कठोरता का मतलब ये कि किसी भी जल में, किसी भी जल को हम कठोर जल तब कहेंगे जब इसमें कोई भी साबुन झाग नहीं देता है, और जो हम जिसको हम अपने दैनिक जीवन के लिए अच्छे तरह से यूज नहीं कर सकते, तो ये होती है कठोरता। लेकिन इसमें एक होती है अस्थायी, जिसको हम केवल अगर गर्म कर दें तो ये जो अस्थायी कठोरता होती है ये दूर हो जाती है। और ये जो अस्थायी कठोरता होती है ये होती है कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण। और यहाँ पे जो अस्थायी कठोरता होती है इसको हम केवल गर्म करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए हमें कई चीज़ मिलाना होता है तभी जा कर के इस अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। अगला है कि न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे पित्त, माइटोकांड्रिया। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, फिर भी हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, और लीवर, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि कोशिका, कोशिका होता क्या है? तो कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे हम सेल कहते हैं। सेल मिलके क्या बनाते हैं? तो ऊतक। ऊतक मतलब कि टिश्यू, ये बनाते हैं ऊतक। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में, मतलब कि जो कोशिका होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए रहता है, लेकिन ये किस अंग में होता है? तो ये होता है माइटोकांड्रिया में। अगला क्वेश्चन है कि बादलों की दिशा एवं गति को नापने वाले यंत्र को क्या कहेंगे? मतलब कि अगर आपको बादलों की दिशा नापनी है, किस दिशा में जा रहे हैं, किस गति से जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको कौन सा यूज करना होगा यंत्र? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसके लिए आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो इसके लिए सही उत्तर है नेफोस्कोप। नेफोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जो क्या मापता है? तो बादलों की गति और बादलों की दिशा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? और अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन है यकृत, लीवर, इसके साथ साथ माइटोकांड्रिया और कोशिका। इन्हीं में से आपके ऑप्शन है, सही उत्तर इसमें से है। आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसके लिए सही उत्तर होता है यकृत। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। अगला है कि बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किसमें होता है? यह एक प्रक्रिया है, तो आपको बताना है कि बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किसमें होता है। ऑप्शन है हीरा, ग्रेफाइट, इस्पात, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसके लिए सही उत्तर होता है इस्पात। यहाँ पे हम थोड़ा सा कम आपको समय देंगे, मुश्किल से 2 सेकंड, और अगर आपको पता है तो आप अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि बेसेमर प्रक्रिया के द्वारा जो इस्पात होता है उसे शुद्ध किया जाता है, यानी कि इसके लिए सही उत्तर है इस्पात। इस्पात से एक क्वेश्चन और बनता है कि मतलब कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है, तो इसके लिए भी सही उत्तर इस्पात ही होगा। अगला है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को किसने खोजा था? मतलब कि प्रकाश में जो विद्युत प्रभाव होता है यह किसके द्वारा खोजा गया था? और आपको केवल 2 ऑप्शन मिलेंगे, पहला न्यूटन और दूसरा आइंस्टीन।
तो कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से इसमें से कौन सा उत्तर सही है। तो देखिए, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है ये खोजा गया था महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है, मतलब जो वातानुकूलित प्लांट बनाए जाते हैं उनकी जो क्षमता होती है वो किस तरह क्षमता होती है, जैसे कि ये कितने कितने तक को ये मतलब कि वातानुकूलित कर सकता है, इनकी क्षमता किस में होती है, किलोग्राम में, मीटर में, टन में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनकी क्षमता होती है हमेशा टन में, टन मतलब कि 1000 किलोग्राम। बढ़ते हैं आगे। तो अगला है कि स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है, मतलब कि जो स्टोरेज बैटरी आप देखते हैं जो कि हम घड़ी में भी यूज करते हैं, दीवार घड़ी की बात हो रही है, तो इसमें जो किस तत्व का उपयोग होता है, अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन है जस्ता, ताबा, सिल्वर और इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसमें से एग्जैक्ट उत्तर की बात करें तो सबसे पहले हो जाएगा जस्ता। अगर जस्ता नहीं होता है तो यहाँ पे कुछ मात्रा में ताबा भी होता है, लेकिन आपका सही उत्तर क्या होगा, जस्ता। अगला क्वेश्चन है कि मिठाइयों में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है, तो इसके लिए ऑप्शन नहीं दिया जा सकता। अगर आपने पढ़ा है कि जिलेटिन मिलाया जाता है तो क्यों मिलाया जाता है, तो देखिए मिठाई में, किसी भी मिठाई में जिलेटिन मिलाने के दो कारण होते हैं। एक तो पहला होता है कि वो क्रिस्टल बनाए, क्रिस्टल बनाने के लिए होता है, और दूसरा कारण ये होता है उसमें सुगंध और स्वाद बढ़ाने के लिए, सुगंध और स्वाद बढ़ाने के लिए, सुगंध तथा स्वाद को बढ़ाने के लिए जिलेटिन मिलाया जाता है, और इसके साथ साथ कभी कभी पूछा गया है क्रिस्टल वाला भी क्वेश्चन। अगला है कि गन पाउडर ये किसका किसका मिश्रण होता है, जो गन पाउडर होता है ये किसका किसका मिश्रण होता है, ये आपको कमेंट करके बताना होगा। तो इसके लिए सही उत्तर है ये होता है सल्फर, इसके साथ चारकोल, और इसके साथ इसमें सोरा मिलाया जाता है, मतलब इन तीनों को मिलाने के बाद क्या बनता है, गन पाउडर। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों के टायरों में भरने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, और आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन और इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सही उत्तर क्या होगा, हीलियम। देखिए हीलियम ही क्यों, हाइड्रोजन क्यों नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो हल्का होता है, हीलियम भी हल्का होता है, तो यहाँ पे देखा जाए तो हीलियम कुछ ज़्यादा हल्का होता है। और एक गुण इसमें और आ जाता है कि अगर इसमें आप कोई गुब्बारे में इसे भर देते हैं तो ये गुब्बारा ऊपर की तरफ जाने लगता है, ऊपर क्यों जाता है, तो हल्का होने के कारण। अब देखिए हाइड्रोजन को अगर आप यूज करेंगे तो कहीं घर्षण होती है तो इसमें आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन हीलियम के साथ ऐसा नहीं होता है, इसलिए जो वायुयान के टायर होते हैं, जो एरोप्लेन की बात हो रही है, उसमें भरा जाता है हीलियम। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि दर्पण बनाने में किसे उपयोग किया जाता है, मतलब कि अगर आप दर्पण बनाने जा रहे हैं तो आपको इनमें से किसका उपयोग करना पड़ेगा। ऑप्शन है AgNO3 और सोडियम NaCO2, NaCl और नॉन ऑफ दीज। तो इसके लिए सही उत्तर होता है AgNO3, मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का यूज क्या करते हैं, दर्पण बनाने में। दर्पण सामान्य रूप से कितने तरह के होते हैं, तो देखिए सामान्य रूप से पूछा जाएगा तो दो होते हैं, पहला अवतल, दूसरा उत्तल। हालांकि एक समतल दर्पण भी होता है, और समतल दर्पण से बस एक ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि जो समतल दर्पण होता है इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, पूछा जाता है कि जो समतल दर्पण होता है इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगला है कि कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है, मतलब कि जो लाइटर यूज होता है सिगरेट को जलाने के लिए, उनमें कौन सी गैस भरी होती है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए सही उत्तर क्या होगा, तो ब्यूटेन, इसमें भरी होती है ब्यूटेन। अगला है कि निर्जलीकरण निम्न में से किस चीज की कमी से उत्पन्न होता है, निर्जलीकरण, और आपके ऑप्शन है NaCO2, NaCl, AgBr,
इन्हीं में से बताइए। तो निर्जलीकरण होता है NaCl से, मतलब कि सोडियम क्लोराइड से। अगला क्वेश्चन है कि CNG का फुल फॉर्म बताना है आपको, CNG का फुल फॉर्म, और इसके लिए आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, सीधे आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो इसके लिए सही उत्तर होता है सी से कंप्रेस्ड, एन से नेचुरल और जी से गैस, मतलब कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG यूज कहाँ होता है, तो वाहनों में इसको यूज किया जाता है। LPG होता है, LPG का कहाँ पे यूज करते हैं, तो इसका यूज हम किचन में करते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है, मतलब कि पेट्रोल में क्या होता है संघटक के रूप में। तो देखिए ये होता है ऑक्टेन, ऑक्टेन होता है इसमें यूज संघटक के रूप में। अगला है कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था, सीधा सीधा क्वेश्चन है और आपको अपना उत्तर भी सीधा बताना है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। तो ये किया गया था डॉक्टर कपूर के द्वारा, मार्टिन कपूर है, वैसे पूरा नाम देखा जाए तो मार्टिन कपूर है, डॉक्टर मार्टिन कपूर। अगला क्वेश्चन है कि वायुयान की गति मापना उपकरण से, मतलब किस उपकरण से नापते हैं। ऑप्शन है हेकोमीटर, टेकोमीटर, हाइड्रोमीटर और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा, टेकोमीटर। टेकोमीटर से क्या मापते हैं, वायुयान की गति, और जो वायुयान की गति नापने का उपकरण है इसे हम क्या कहेंगे, टेकोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि हाई ब्लड प्रेशर का प्रमुख कारण क्या है, मतलब कि यहाँ पे उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो इसका प्रमुख कारण मानसिक तनाव होता है, लेकिन मानसिक तनाव के साथ साथ जो आपका खान पान है, इसके साथ जो आपके शरीर में फैट है, ये सारे इसके कई कारण हैं। अब आपको ऑप्शन के अनुसार देखना होगा, आपको ऑप्शन में क्या दिया गया है, कोलेस्ट्रॉल दिया गया है, मानसिक तनाव दिया गया है या फिर खान पान दिया गया है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है मानसिक तनाव। अगला क्वेश्चन है कि अनाच्छादन का प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होती है, अनाच्छादन का प्रक्रिया किन क्षेत्रों में अधिक होती है, आपको ये बताना है। अब जहाँ पे रात में टेम्परेचर, ऑप्शन है कि रात में टेम्परेचर कम हो, रात में टेम्परेचर अधिक हो, कहाँ पे होगी ये, तो ये होगी जहाँ पे रात में कम टेम्परेचर होता है वहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक रक्तदाता है, रक्तदाता मतलब कि जो सबको अपना ब्लड दे सकता है। ऑप्शन है ए बी और ओ। तो इसके लिए सही उत्तर है ओ। देखिए ओ होता है, ये ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी भी ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकता है। लेकिन अगर यहीं पे आपसे ये पूछ लिया जाए कि मतलब कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि सबसे ब्लड ले सकता है, तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ए बी। अगला क्वेश्चन है कि आर्द्रता, आर्द्रता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए आर्द्रता का मतलब ये होता है कि जो हवा होता है, हवा में जो भी नमी होती है, इसे हम क्या कहते हैं, आर्द्रता। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि DOS क्या है, ये क्या काम करता है। सीधे आपको बताना है कि जो DOS होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म है, इसका काम क्या है। देखिए जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके साथ साथ कई और चीज़ें होती हैं, लेकिन जो DOS है, इसका काम होता है जो कंट्रोलिंग पावर है, मतलब जो कंप्यूटर में जो कंट्रोल करने वाले हैं और जो बुनियादी हैं, मतलब कि जो बेसिक चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करने का काम होता है DOS का। देखिए यहाँ से कई क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कि रैम का फुल फॉर्म बताइए, रोम का फुल फॉर्म बताइए, CPU का फुल फॉर्म बताइए, ALU का फुल फॉर्म बताइए, WWW का फुल फॉर्म बताइए। इस तरह कंप्यूटर से कई क्वेश्चन बनते हैं। तो रैम मतलब क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम मतलब क्या होगा, रीड ओनली मेमोरी। रैम और रोम का नाम तो आपने खूब सुना होगा, जब भी हम कोई मोबाइल बाय करने जाते हैं तो हमें ये दो चीज़ें वहाँ पे मिलती है।
और सीपीयू का क्या होगा, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू का क्या होगा, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। WWW का क्या होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। और ATM का क्या होगा फुल फॉर्म, तो ये आपके लिए क्वेश्चन होगा और इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि मृग तिसरा, मतलब कि जिसको हम हिंदी में मृग मरीचिका भी कहते हैं, इसके बनने का कारण क्या होता है। और आपके ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए अगर आपको भी इस वीडियो में क्वालिटी संबंधी कोई इशू है तो यहाँ पे 3 डॉट आपको मिल जाता है, उसे दबाइए, वहाँ पे क्वालिटी का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जो भी हायर क्वालिटी है उसे सेलेक्ट करिए, आपको ये अच्छी क्वालिटी में दिखने लगेगी। तो देखिए इसके लिए सही उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मृग तिसरा। मृग तिसरा बनने का कारण क्या होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये आपको लाइट वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है। और यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन 2 या 3 चीज़ों में होता है। एक आपको पढ़ाया जाएगा जो हीरा चमकता है, तो हीरा के चमकने का कारण क्या होता है, तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें भरपूर मात्रा में लौह पाया जाता है। अब ये लौह जो खाने वाला लौह है उसकी बात हो रही है, तो ये किसमें भरपूर मात्रा में लौह पाया जाता है, पूछ लिया जाए आपसे कि हरी सब्जियां, अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए, मांस, मछली या फिर दूध, तो इसके लिए सही उत्तर क्या होगा, हरी सब्जियां। देखिए अगर हरी सब्जियां में पूछ लिया जाए कि हरी सब्जियां में से कौन सी सब्जी है जिसमें अधिक पाया जाता है, तो ये हो जाता है आपका, क्या होगा आपका, अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपका सही उत्तर है पालक, जो पालक होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में लौह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन के लिए तर्कु तंतुओं को संगठित करता है कौन। देखिए जब वृद्धि होती है शरीर में और जब कोशिका का विभाजन होता है कहीं कहीं पे, तो एक होता है तारक केंद्र, तारक केंद्र। और इसका काम क्या होता है कि जो तंतुए हैं उनको ये संगठित करता है। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है। वह एक कौन सा बल है जिसके कारण कोई भी पिंड धरती की तरफ आता है। बेहद आसान क्वेश्चन, तो इसे कहते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे पहले किसने बताया था गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, तो न्यूटन ने। क्या बताया इन्होंने, इन्होंने बताया कि धरती के अंदर कोई ना कोई बल ऐसा है जो कि हर एक वस्तु को अपनी तरफ खींचता है। अगला है कि चलिए आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आपको और बता दें, और यहाँ पे इसका जो उत्तर होगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पे धरती है और यहाँ पे इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, इतना दूरी पर, मतलब कि यहाँ पे कोई भी वस्तु होगा तो धरती उसे अपने तरफ खींच लेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर होगा तो धरती उसे नहीं खींच पाएगी। यहाँ पे आप हमें ये कमेंट करके बताइए कि कितनी स्पीड से हम कोई भी चीज़ को फेंकें जिससे कि वो कभी धरती पे लौट के ना आए। और इसका ऑप्शन करीब करीब आपको बता दें 10 से लेके 12 के बीच में होता है, इसी के बीच में होता है, और आशा है कि आपने जरूर पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है, मतलब कि यहाँ पे कोई पिंड है और यहाँ पे जो ये मैक्सिमम विस्थापन किया कर रहा है, यहाँ पे जो ये मैक्सिमम विस्थापन है इसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन हो सकते हैं आवृत्ति, आयाम, आवर्तकाल, तो इसके लिए सही उत्तर होता है आयाम। और इसे डिनोट किससे करते हैं, तो स्मॉल ए से। अगला क्वेश्चन है कि ग्रसिका एक नली है, जो ग्रसिका नली है उसको हम क्या कहते हैं। अगर ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन है सांस नली, आहार नली, जीवनदायिनी नली, जीवनदायी नली। चलिए बताइए जो ग्रसिका नली है उसका दूसरा नाम क्या है। तो देखिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, आहार नली। जो ग्रसिका नली है इसको आहार नली भी कहा जाता है। आहार नली मतलब कि मुंह के बाद जब आपका भोजन जाता है उसे हम आहार नली कहते हैं। अगला है कि वह भूकंप जिसमें सुनामी उत्पन्न हुआ हो रिएक्टर स्केल पे कितना आएगा। और आपके ऑप्शन है 4 से 5, 7 से 8, 9 से 10 और 2 से 3। ऐसा भूकंप का बताइए जो कि रिएक्टर पैमाने पे कितना होगा, तो यहाँ पे सुनामी आ सकती है।
देखिए इसके लिए सही उत्तर होगा 9 से 10, यानी कि अगर 9 से 10 के बीच में है तो यहाँ पे ये अगर इस स्पीड से भूकंप आता है तो समझिए कि वहाँ पे सुनामी आ सकती है। नॉर्मली धरती में हमेशा भूकंप आते रहते हैं, लेकिन वो 2, 3 या फिर 4 के तहत होते हैं, लेकिन हमें वो पता नहीं चलते हैं। लेकिन अगर यही भूकंप 5 से ऊपर होने लगता है तो थोड़ा खतरनाक होने लगता है, लेकिन अगर ये 9 के ऊपर जाता है तो यहाँ पर सुनामी आने के चांसेस हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अरंडी के बीच, यहाँ पे बीज होना चाहिए, बीज का कौन सा भाग तेल देता है? जो अरंडी होता है इसके बीज का कौन सा भाग है जो कि तेल देता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए इसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म कहते हैं, और जो अरंडी होता है इसका जो एंडोस्पर्म होता है इसी से तेल निकलता है। अगला क्वेश्चन है कि वड़ांध रोग की खोज किसने की थी? वड़ांध रोग की खोज मतलब कि किसने बताया था कि कुछ लोगों में ऐसे रोग होते हैं जो कि कलर को नहीं पहचान सकते, उनको रेड और ग्रीन में फर्क ही नहीं दिखता है। तो ये खोजा गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बताया कि कुछ लोगों में ऐसे रोग होते हैं जो कि वर्णों के बीच का अंतर नहीं देख सकते। अगला है कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? मतलब कि कोई भी अगर पानी में रखा गया है, कोई छड़ डालते हैं तो ये थोड़ी सी ऊपर महसूस होती है, ये कौन सा गुण है? ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन हो सकता है परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए बताइए, तो इसके लिए सही उत्तर क्या होगा? अपवर्तन। देखिए यहाँ पे अपवर्तन से कई क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनते हैं, जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि मतलब कि कोई भी तालाब है उसकी पेंदी थोड़ी सी ऊपर महसूस होती है, क्यों? तो इसका भी कारण है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन से 2 या 3 जो उदाहरण है आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला है कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? जो सूर्य की बात हो रही है, सूर्य जो कि यहाँ पे नाभिकीय संलयन होता है, इसका तापमान कितना होता है? और यहाँ पे पृष्ठ की बात की गई है, मतलब कि जो सूर्य है उसके ऊपर के भाग की बात की गई है। ऑप्शन दे दें तो 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड, 7,000 डिग्री सेंटीग्रेड, 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड और 1,000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके लिए क्या सही होगा? तो 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है? तो देखिए गैल्वेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब लोहे को हम जंग से बचाने के लिए उस पे जिंक का लेप करते हैं, जंग से बचाने के लिए जिंक का लेप करते हैं, तो इसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी ज्यादा जल नहीं सोखती है? दोमट मिट्टी, क्लेई मिट्टी, कौन सी मिट्टी है जो कि ज्यादा जल नहीं सोखती है? तो ये होती है क्लेई मिट्टी। अगला क्वेश्चन है कि बीज रहित फल को किस तकनीकी से विकसित किया जाता है? ऐसा फल बताइए, मतलब कि अगर हम ऐसा फल बनाना चाहते हैं जिसमें बीज ना हो, तो बीज ना हो ऐसा फल तो है नहीं वैसे नेचुरल में, लेकिन अगर हम ऐसा फल उत्पादन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? तो देखिए हमें इसके लिए करना होता है संकरण, मतलब कि दो पौधों को मिला करके, दोनों के अच्छे अच्छे गुण को मिला करके एक तीसरा पौधा बनाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? संकरण। अगला क्वेश्चन है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? मतलब कि ऐसी ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है जिन्हें हम सुन सकते हैं? ऑप्शन है 0 से 20 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से 22,000 हर्ट्ज और 22,000 हर्ट्ज से 50,000 हर्ट्ज। कौन है जिसको हम सुन सकते हैं? तो इसके लिए सही होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है कि आर्कमिडीज का नियम किससे संबंधित है? मतलब कि कौन सा नियम ऐसा है जो सेम टू सेम आर्कमिडीज के नियम के जैसा है? तो आपने नाम सुना होगा प्लवन का नियम। प्लवन का नियम ऐसा है जो कि सेम टू सेम आर्कमिडीज के सिद्धांत के जैसा होता है। अगला क्वेश्चन है कि साधारणतः प्रयोग में आने वाले वस्त्र को धोने वाले सोडा का नाम क्या होता है? मतलब जो कपड़े धोने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है,
यही तो बताना है आपको इसमें। तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, और ये होता है कपड़े धोने वाला सोडा। तो आज का अंतिम क्वेश्चन कि तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों लगता है, मतलब कोई भी तैराक है तो ये समुद्र में तैरेगा तो उसको ज़्यादा आसानी होगी नदी की अपेक्षा। और यहाँ पे कारण ये है घनत्व का, क्योंकि जो समुद्र पानी है इसका घनत्व तो साधारण पानी से ज़्यादा होता है और इसीलिए वहाँ पे उसको तैरने में आसानी होती है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, आप इस तरह की और भी वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।